हेलो एवरीवन, आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, स्पेशली अगर आपने सीजीएल का पेपर दे रखा है और आपका प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन क्वालिफाई हो गया है। स्टेनो के कई एस्पिरेंट्स ऐसे होते हैं जो स्टेनो के साथ साथ अदर एग्ज़ाम्स भी देते रहते हैं, और आप सब जानते हैं कि इस बार सीजीएल में वैकेंसी काफ़ी अच्छी थी, तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए बहुत सारे स्टेनो के कैंडिडेट्स ने भी सीजीएल का फॉर्म जो था वो फिल कर दिया था, और अभी उनका प्री क्वालिफाई हो गया है। तो अब उनके मन में डाउट ये चल रहा है कि अभी अभी तो इसके निपटा है, मेंस की प्रिपरेशन हुई नहीं है, तो मैं मेंस देने जाऊं या मेंस को स्किप कर दूं। तो आज इसी चीज़ के बारे में बात करेंगे और आपको एक एग्जांपल के साथ बताएंगे कि आपको क्या करना चाहिए, और बाकी तो आप ही का डिसीजन है, बट जो सही चीज़ है उसके बारे में बात करेंगे। तो जैसा कि हम जानते हैं कि सीजीएल का मेंस आपका मार्च के फर्स्ट वीक में ही है, तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम ऑब्वियसली नहीं मिला है, क्योंकि अभी अभी आपका 15 या 16 को आपका स्किल टेस्ट हुआ है, और 16 को तो कह नहीं सकते, सॉरी 16 का तो चलो ठीक है, लेकिन 15 वालों का तो अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ है स्किल टेस्ट। उनका स्किल टेस्ट अभी रिशेड्यूल होना है और उनकी रिशेड्यूल की डेट अभी तक डिक्लेयर नहीं हुई है, तो ऐसे में ऑब्वियसली वो अच्छे से तैयार करने की कोशिश कर रहे होंगे। तो आई डोंट थिंक कि उनके मन में डाउट भी होगा कि उन्हें सीजीएल का मेंस देना है कि नहीं देना है, क्योंकि उन्हें क्लियर होगा कि हमारा अभी स्किल टेस्ट बचा हुआ है, और इस बार स्किल टेस्ट भी काफ़ी अच्छा आया है। तो 15th को जिन लोगों का था वो यही कोशिश कर रहे होंगे कि जितना अच्छा से हो सकता है स्किल को प्रिपेयर किया जाए। बात आती है उन लोगों की जिन्होंने सीजीएल का एग्ज़ाम दिया था और उनका टायर 1 क्वालिफाई हुआ है, और अब उनका जो स्किल टेस्ट था वो हो भी चुका है और टायर 1 उनका क्वालिफाई है। तो ये वाले स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा डाउट में हैं, क्योंकि कह रहे हैं कि प्रिपरेशन उतनी नहीं हुई है, लेकिन और इतना टाइम भी अब नहीं है कि प्रिपरेशन एक नए सिरे से स्टार्ट की जाए, तो आखिर किया क्या जाए, इस चीज़ का लेके बहुत ज़्यादा डाउट देखने को मिल रहा है कि देने जाया जाए मीन्स का एग्ज़ाम या नहीं जाया जाए। देखिए, अगर पिछली बार की तरह होता चीज़ें कि 50% आपका मैथ्स डिसाइड कर रहा होता और 50% आपका इंग्लिश डिसाइड कर रहा होता, तो मैं कहता कि आप एक बारी में कह सकता था कि हाँ, जिस एग्ज़ाम में मैथ ही 50% आ रही है, और स्टेनो के एस्पायरेंट्स के लिए मैथ एकदम नया सब्जेक्ट हो जाता है, क्योंकि ये सब्जेक्ट स्टेनो एस्पायरेंट्स तैयार नहीं करते हैं, तो मैं कहता कि हाँ, अगर आप चाहते हैं तो इसको स्किप कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है ऐसी, क्योंकि ऑब्वियसली जो स्टूडेंट्स एक प्रॉपर वे में तैयारी कर रहे हैं, उन्होंने प्रॉपर मैथ्स के टीचर्स की क्लासेस ली हैं, तो उनसे फाइट करना, वो भी वैकेंसीज भी लास्ट ईयर तक बहुत 7 से 10 हज़ार तक ही होती थी, तो उस सिनेरियो में मैं कह सकता था कि हाँ भाई, आपके चांसेस बहुत ही कम है, इसलिए आप स्किप कर सकते हैं। बट नया जो आपका सिलेबस आया है उसमें मैथ को थोड़ा सा इम्पोर्टेंस कम दी गई है, उतनी नहीं है जितनी पहले थी, जीएस को ऐड किया गया है, ठीक है, इंग्लिश अब भी अच्छी खासी है, ठीक है, और आपका कंप्यूटर भी क्वालिफाइंग है, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं, और रीजनिंग भी आपकी मैथ के बराबर ही है। तो इस सिनेरियो में अब बात आती है कि क्यों ना जाया जाए आखिर। देखिए, जीएस अगर आप स्टेनो की तैयारी कर रहे होंगे तो भी जीएस आपने पढ़ रखी होगी, इंग्लिश आप अगर स्टेनो की तैयारी कर रहे हैं तो आपने ज़्यादा अच्छे से पढ़ रखी होगी, क्योंकि आपको यहाँ पर कोई कमी नहीं होगी, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में इंग्लिश 50% आती है, तो जीएस भी आपकी रेडी होगी, इंग्लिश भी आपकी रेडी होगी, रीजनिंग भी आपके एग्ज़ाम का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, 50 मार्क्स की आती है 200 में से, तो ये पार्ट भी आपका तैयार है, ठीक है। बचता है कंप्यूटर, तो ये आपका क्वालिफाइंग है, ठीक है, ये क्वालिफाइंग हो गया। अब बचा मैथ, तो मैथ आपका अगर नहीं भी तैयार है, मैं ये नहीं कहूँगा कि हाँ सिलेक्शन हो ही जाएगा, आप चले जाइए, लेकिन मैथ में मान लीजिए थोड़ा कम भी स्कोर होगा और बाकी के सेक्शन में आपने अच्छा कर लिया, जीएस के सेक्शन में अच्छा कर लिया, इंग्लिश में अच्छा कर लिया, और आपने रीजनिंग में अच्छा कर लिया, और आप सब जानते हैं कि वैकेंसीज 37,000 के अप्रॉक्स हैं, तो उस केस में मेरे ख्याल में आपको पेपर देने बिल्कुल जाना चाहिए, और पेपर देने स्पेशली सिर्फ इसलिए नहीं जाना चाहिए कि आपका सिलेक्शन हो जाए, ठीक है। सिलेक्शन तो अलग की बात है, सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है जो न्यू पैटर्न सेट हुआ है सीजीएल का, उससे आप रूबरू हो जाएंगे कि हाँ भाई, क्या
किस तरीके से अब एग्ज़ाम लिया जा रहा है, क्या कुछ चीज़ें हो रही हैं, वो आपको पता चल जाएंगे। और अगर सब कुछ ठीक रहा तो हो सकता है आपका सिलेक्शन भी आपको देखने को मिल जाए, ठीक है। क्योंकि एक और भी फैक्टर है कि इस बार आपका टायर 2 का जो एग्ज़ाम है वो प्लस आपकी टाइपिंग एक ही दिन पर हो रही है, ठीक है। तो ये जो चीज़ें हैं, तो ये अब क्या हुआ कि इतना टाइम दिया नहीं गया कि टाइपिंग किसी को बिल्कुल नहीं आती हो तो वो सीखे, या फिर रिजल्ट भी इतना लेट आया। तो इस सिनेरियो को भी ध्यान में रखना होगा। मैं ये नहीं कह रहा कि सारे लोग बैठे होंगे कि रिजल्ट आएगा तभी टाइपिंग सीखेंगे, कई लोगों ने पहले भी सीख ली होगी, लेकिन सारी चीज़ों को अगर आप जोड़ के देखेंगे तो आप भी इसी कंक्लूजन पे निकलेंगे कि इस पेपर को देने जाना चाहिए, ठीक है। बचे हुए दिन में आप क्या कर सकते हैं, आप इंग्लिश के रूल्स को रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है। जीएस के आप स्पीडी से पढ़ सकते हैं, करंट अफेयर वगैरह थोड़ा देख सकते हैं, ठीक है। बाकी जो जीएस के बेसिक क्वेश्चंस होते हैं वो देख सकते हैं लूसेंट से। और उसके अलावा रीजनिंग में आपने अभी अभी पेपर दिया है कुछ दिन पहले, और रीजनिंग वैसे भी आप पेपर देते रहते होंगे तो वो भी तैयार होगी। अगर किसी कॉन्सेप्ट में डाउट है तो उसके सेपरेट वीडियो जाके देख लीजिए अपने। उसके बाद बचता है इंग्लिश आपका हो गया, जीएस हो गया और रीजनिंग हो गया। मैथ को आप चाहें तो बिल्कुल स्किप कर सकते हैं, बनना अगर चाहें तो कुछ देख सकते हैं। अगर ये आपके इंडिविजुअल कैपेसिटी पे डिपेंड करता है कि आप अगर चाहें तो शुरुआत करके देख सकते हैं कि थोड़ा बहुत चलो फॉर्मूले वगैरह देख लेते हैं, क्वेश्चंस वगैरह देख लेते हैं, वरना इसे छोड़ भी सकते हैं। इसके बाद बचता है आपका इंग्लिश हो गया, जीएस हो गया, कंप्यूटर। कंप्यूटर के लिए आरवी सर के चैनल पर उन्होंने वीडियोस डाल रखे हैं, उनको देखकर आप जा सकते हैं। कम टाइम में आपके वहाँ से कंप्लीट हो जाएगा कंप्यूटर, तो ये चीज़ आप कर सकते हैं। आई डोंट से कि आपका सिलेक्शन हो ही जाएगा, बट हम लोग प्रयास हम लोगों को जरूर करना चाहिए। आप कोशिश करिए और जाइए टायर 2 देने, बिल्कुल मेरे ख्याल में तो आपको जाना चाहिए। बाकी आपकी मर्जी है, आपका एग्ज़ाम है, आपने टायर 1 क्वालिफाई किया, यू हैव द राइट टू गो और नॉट टू गो, लेकिन मेरे ख्याल से आपको जाना चाहिए। और ऐसे ही इम्पोर्टेंट अपडेट्स के लिए और इम्पोर्टेंट वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। प्लस जो इस चैनल का टेलीग्राम चैनल है उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, तो उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं सारी इम्पोर्टेंट अपडेट्स के लिए, और इस चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लेंगे। थैंक यू सो मच।